हेलो माय पीपल, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड जहाँ भी आप सेफ हो। सो इन टुडेस वीडियो आई एम बी डूइंग द कर्व्स एंड लैशेज हॉल। रिसेंटली मैंने उनके वेबसाइट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए थे। वहाँ पे मतलब मैं ऐसे सर्च कर रही थी कि उनका बेस्ट सेलर कौन सा, तो मैं वो ट्राई करके देखूँ आप लोगों के लिए। सो मुझे ना वहाँ पे एक कॉम्बो शो हुआ जिसमें 199 में आपको एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, मेनली लिपस्टिक, उसमें मेकअप सेटिंग स्प्रे, उनका कॉन्टोर, और दो उसमें दो आई शेडो पैलेट थे, मेकअप सेटिंग स्प्रे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मुझे ना वो वर्थ द मनी लगा, क्योंकि अगर आप एक एक प्रोडक्ट अपने कार्ट पे परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल आप ब्लश या फिर उनका जो कपी केक ब्रॉन्जर है वो परचेज करते हो, तो वो 250 रिटेल करता है, तो आपका उस कॉम्बो प्राइस से ज़्यादा ही अमाउंट बैठेगा। तो मैं सोचा ठीक है, इसमें कॉम्बो में सारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं इसको परचेज करके ट्राई करती हूँ। तो जैसे कि आप मेरा ये मेकअप लुक देख रहे हो, मैंने वही सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके मेकअप लुक को क्रिएट किया है। तो अभी मैं रिव्यू करने वाली हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम इनके जो प्रोडक्ट्स हैं यूज़ किए हैं, मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। तो मैं आपको, मैं सोचा चलो ठीक है, मैं एक रिव्यू भी दे दूँगी और आपको स्वाचेस भी दिखा दूँगी, जो भी आई शेडो लिपस्टिक है उस सब चीज़ के। आप देख सकते हो कि मुझे अपना नहीं आई लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसके आई शेडोज काफ़ी पिगमेंटेड थे और मेरा जो मेकअप है काफ़ी अच्छा अच्छा बन के आया है। सो या गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन द वीडियो। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आए थे वो सारे ऐसे पैकेजिंग में आए थे, बॉक्स में। मैंने जस्ट इसको अभी थोड़ी देर पहले ही अनबॉक्स किया था, तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो अच्छे से बबल रैप होकर आए थे, तो कोई भी मुझे डैमेज प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात थी। सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बबल रैप हो रहे थे और ऐसे कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आए थे, तो दैट इज़ द गुड थिंग। और सारे प्रोडक्ट्स एक साथ आ गए थे, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको शो कर रही हूँ वो है इसका कर्व्स एंड लैशेज का कवर पॉट, और इसका प्राइस है 299, बट ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे इसको तो आपको 299 से कम प्राइस में मिल जाता है। जनरली मैंने देखा आपको ये 250 तक का मिल जाता है। इसमें शेड रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा शेड रेंज है, तो मुझे इसका ये प्लस पॉइंट लगा। और सी गाइस, इसकी पैकेजिंग कितनी ज़्यादा क्यूट है, ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। मुझे इसकी पैकेजिंग में, मतलब 10/10 में पॉइंट्स दूंगी इसकी पैकेजिंग को। तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, और इसमें मैंने शेड मंगवाया 08, ये शेड लिखी है इसकी और इसका ऐसे। सो लकीली मुझे शेड बहुत परफेक्टली मैच हो गया है। वैसे ये कंसीलर है, बट अगर आप चाहो तो उसको फाउंडेशन की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने इसको फाउंडेशन की तरह यूज़ किया है। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ ऐसी है, मुझे ये ना होलोग्राफिक लोगो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें पूरा पीछे लिखा हुआ है कि इसका प्राइस क्या है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये भी मुझे अच्छी लगी। सी, ये कुछ ऐसी शेड है इसकी, मेरी स्किन टोन के लिए परफेक्ट मैच हुआ। मतलब मैं इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकती हूँ, और चाहूँ तो एज अ कंसीलर के लिए, जो मेरे डार्क पैचेस हैं फेस में वो अच्छे से कवर हो जाते हैं। बट मैंने क्या किया था, पहले ना पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर दिया था, तो ना जो उसको ब्लेंड करते करते ना कुछ पार्ट्स में थोड़ा ड्राई हो गया था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये एज अ फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, तो थोड़े थोड़े एरियाज़ को कवर करके इसको यूज़ करना। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पहले मेक श्योर करना कि अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लो, ताकि ये बिल्कुल पैची पैची ना लगे। आप इसकी ब्लेंडेबिलिटी भी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी कवरेज बहुत प्यारी है। सेकेंड जो मुझे सेकेंड इस बॉक्स में था, ये कर्व्स एंड लैशेज का ही, और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी क्यूट है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग भी है, और इसमें ना कवर और इसमें ना कलर्स अवेलेबल थे, जैसे एक पर्पल था, एक शायद ब्लू, ऐसे तीन कलर अवेलेबल थे, तो मैंने ये वाला पर्पल चूज़ किया, मुझे पर्पल कलर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसमें दो साइज है, एक फ्लैट और एक ही राउंड साइड। तो आप इससे क्या कर सकते हो, तो बहुत इजीली ना आपका जो, अगर आप कंसीलर अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बस ये थोड़ा ना थोड़ा हार्ड है, तो कंपेरेटिवली थोड़ा हार्ड है। मुझे जो मार्स का ब्यूटी ब्लेंड अगर आपने यूज़ किया हो, उसकी कंपेरेटिवली थोड़ा ये हार्ड है। प्लस मैंने इसको अभी तक सिर्फ ड्राई यूज़ किया, अगर मैं वेट यूज़ करके ट्राई करूँगी ये कैसा काम करता है। बट या मैंने जितना भी अपना फेस पे ये जो जितना भी अपने फेस पे मैंने कंसीलर ब्लेंड किया था, हाफ साइड मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया था और हाफ साइड ब्रश से किया था। नेक्स्ट तो बड़े नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी आई शेडो पैलेट्स की। इसमें तीन वेरिएशन आते हैं, एक तो ये लव लव लव, दूसरा एक ग्रीन पैलेट है, और एक ब्लैक जिसमें ब्लैक और ग्रे अंडरटोन्स है वो पैलेट है। तो मुझे पर्सनली ये वाला कलर अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना कलर शेड रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छी लगी। पिंक्स है इसमें, रेड्स की जो कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये कुछ ऐसे कवर होके आया था, ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, उन्होंने यहाँ पे अपना लोगो कर रखा है। प्लस मुझे ना आउटर लोगो काफ़ी अच्छा लगा, लव लव लव। सेम ऐसे पीछे इन्होंने MRP लिखी हुई है और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, और इंग्रेडिएंट्स जो भी इन्होंने यूज़ कर रखे हैं वो सारे मेंशन कर रखे हैं।
इसका जो कॉस्ट है, अगर आप इसको इंडिविजुअल लेना चाहो तो 350 रुपीज़ है। मैं आपको स्वाच करके दिखा देती हूँ पहले इसके कलर्स। सो आप देख सकते हो ये सारे स्वाचेज हैं इसके। पर्सनली इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट अगर ब्लेंडेबिलिटी भी अच्छी है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें भी बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है। आप इसको अगर मेकअप के बाद लास्ट में भी अपना आई शेडो करते हो तो इतने डार्क पिगमेंटेशन होने के बाद भी इनमें बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है। उसके बाद इसमें ही एक और दूसरा पैलेट आया था इनका वेरिएशन में, हैंडी डैंडी पैलेट। इसमें जो कलर शेड्स हैं, इसमें 4 शेड्स अवेलेबल हैं। मैं उनकी पिक्चर डाल दूंगी कि कौन कौन से इसमें वेरिएशन अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात, लुक एट द पैकेजिंग गाइस। मैंने पर्सनली इसको ना पैकेजिंग की वजह से ही पिक किया था। वैसे तो इसमें इतना अच्छे से इन्होंने आउटर पैकेजिंग कर रखी है। इस पैलेट का कॉस्ट भी 299 है और इसकी शेल्फ लाइफ 2024 तक आपको मतलब ये एक्सपायर हो जाएगा। 2024 तक इसकी शेल्फ लाइफ है और ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी कब से लैशेज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और आप चाहो तो उनकी इनकी खुद की वेबसाइट है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। इनका लोगो वाला काफ़ी अच्छा है और पीछे वही सब मेंशन है, इनकी इंग्रेडिएंट्स और एक्सपायरी डेट। सो गाइस इसमें कुछ अच्छी शेड रेंज है। बस ना मुझे ये ब्रश किसी काम का नहीं लगा, आप देख सकते हो। इससे क्या ही होगा, ये ब्रश बहुत यूज़लेस है तो मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और इसकी जो मैं आपको स्वाचेस दिखाती हूँ, पहले ये चारों इसके स्वाचेज हैं, चारों इसमें कलर अवेलेबल है। सबसे अच्छा मुझे तो ऑरेंज लग रहा है और येलो भी इसमें अच्छा खासा पिगमेंटेड लग रहा है। बट इसमें मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि जो इसकी पैकेजिंग है थोड़ी फ्लमजी है। अगर आप देखोगे ना, मैं इसको उल्टा करूँगी तो इसका ये पैन पूरा निकल गया। सी इसका पैन ये पूरा निकल गया आई शेडो पैलेट से। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पर्सनली फेवरेट हैं, जो कि उनके कपी केक कलेक्शन से हैं। उसके ब्रॉन्जर, हाईलाइटर और ब्लश वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। इनकी पिगमेंटेशन और पैकेजिंग बहुत क्यूट है। सीधा पैकेजिंग पीछे से है, इनर पैकेजिंग है और इतनी आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग है इसकी। सो ये कुछ शेड ऐसी दिखती है और ये मेरी स्किन मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए बेस्ट शेड लगी मेरे को। थोड़ी तो पीची पीची कोरल कलर है इसका। और इसकी पिगमेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ स्वाच का। ये वाला ये इसका पे ऑफ है और ये ब्लेंड होके ना बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने इसको अप्लाई भी कर रखा है। बहुत ही नेचुरली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन पे, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। और सेकेंड बात करते हैं हाइलाइटर की। इसका कॉस्ट भी 225 है अगर आप इसको इंडिविजुअल लेना चाहो तो। मैंने हाइलाइटर में जनरली गोल्डन, सिल्वर और रोज़ गोल्ड ही कलर देखे हैं, बट ऐसे ऑरेंजिश नहीं देखा। तो मैंने सोचा ठीक है, ये ब्लश का काम भी करेगा और हाइलाइटर का काम भी करेगा, तो इसको परचेज करके देखते हैं। और यार इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। सी मैंने हाइलाइटर में जनरली गोल्डन, सिल्वर और रोज़ गोल्ड ही कलर देखे हैं, बट ऐसे ऑरेंजिश नहीं देखा। तो मैंने सोचा ठीक है, कुछ न्यू ट्राई करते हैं, अगर मिल रहा है तो। सो मैंने इसको अभी अप्लाई किया और पता भी नहीं चल रहा कि मैंने अलग से हाइलाइटर लगाया है। ऐसा लग रहा है कि मेरा स्किन का ही ग्लो है। और उसके बाद इनका सेम कलेक्शन से इनका ब्रॉन्जर। तो ये मेरे स्किन टोन और स्किन के हिसाब से ना ब्रॉन्जर का काम करता है, कॉन्टोर का तो नहीं कर पाता। तो एक ये शेड थी, ये बहुत लाइट है, आपको दिखेगी भी नहीं, बहुत लाइट है ये। तो मुझे मतलब इतना अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट इसका पिगमेंटेशन अगेन काफ़ी अच्छा है। इसका पे ऑफ, ब्लेंडिबिलिटी सब बढ़िया है। तो अगर आप ये परचेज़ करोगे तो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा बढ़िया है। सो इनकी ये जो 5-in-1 लिपस्टिक है, इनका ब्रांडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने न्यू शेड में मंगवाई, इसमें 2 शेड्स अवेलेबल है। एक तो थोड़े ब्राइट टोन्स में जिसमें रेड पिंक्स आते हैं, और एक न्यूड अंडर टोन है। इसकी कुछ पैकेजिंग ऐसी है, और अगर आप इसको इंडिविजुअली लेते हो तो 325 रुपीज़ की है, विच इज़ नॉट बैड कि 325 में अगर आपको 5 शेड्स मिल रहे हैं तो। इसमें कुछ ऐसे शेड्स हैं और मैंने यही वाला अप्लाई कर रखा है और पर उसमें थोड़ा सा ग्लॉस लगा रखा है। ये इसकी शेड्स हैं और गाइस ये ना बहुत ज़्यादा क्रीमी लिपस्टिक्स हैं। इतनी ईजिली आपके लिप्स पे ग्लाइड होती हैं, मतलब बिल्कुल एफर्टलेस ग्लाइड नहीं करते हम कि ऐसे लगाया। सी इसका पिगमेंटेशन भी कितना ज़्यादा अच्छा है, इनका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली ग्लाइड अप हो जाती है। आपको बिल्कुल भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का सा भी लगाओगे ना तो आपके लिप्स पे पे ऑफ बहुत अच्छा देती है।
इतना ट्रांसफर नहीं करेगी, बट हाँ एज अ बुलेट लिपस्टिक और इसमें 5 शेड मिल रही है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा परचेज है। सो लास्ट प्रोडक्ट इस बॉक्स इस कॉम्बो में था ये मेकअप स्प्रे, जो कि इनका शाई स्टाइल से कोलैबोरेशन करके इन्होंने लॉन्च किया था। सो इनका ये फेक मेकअप सेटिंग स्प्रे है, ऑल्दो उसकी बॉटल काफ़ी बड़ी है। इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि इसमें ना स्मेल, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेकअप सेटिंग स्प्रेस में कोई फ्रेग्रेंस हो, बट इसने मेकअप तो अच्छे से सेट कर दिया है और इसका जो स्प्रे है वो भी काफ़ी अच्छा है बोला, बट इसमें मुझे ना फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, काफ़ी ज़्यादा है। कुछ सेकंड के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आती है, उसके बाद वो सेटल हो जाता है, बट स्टिल स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरपावरिंग फ्रेग्रेंस है इसमें। गाइस पर्सनली मुझे कर्व्स एंड लैशेस के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो अगर आप प्राइस वाइज देखो तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। कोई भी मतलब जो प्रोडक्ट है वो 500 से ऊपर नहीं है। प्लस इनकी पिगमेंटेशन मुझे अच्छी लगी, इनका पे ऑफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल कैटेगरी में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बस मुझे थोड़ा वो सेटिंग स्प्रे इतना अच्छा नहीं लगा ड्यू टू द फ्रेग्रेंस, बाकी सारे प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छे से वर्क किया है, आप देख भी सकते हो। मैंने मेकअप मैं आपको बता था कि इसी से किया है। जितने भी प्रोडक्ट्स का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो किसी भी प्रोडक्ट को चेक करने में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कर सकते हो। सो यार गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको मेरा ये रिव्यू और प्लस हॉल अच्छा लगा हो। इन केस अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया है कि आप कोई और हॉल या रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स डाल के बताओ। और प्लीज़ गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।